दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूं हृदय विहारी द्वारा प्राचीन ग्रंथों से संकलित एक स्लीप स्टोरी, कृष्ण का मोल। कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित करने लगते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति आपका ही बनकर रहे। इस कहानी से हम जानेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने कृष्ण को अपने रूप और ऐश्वर्य के बल पर पाना चाहा और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसमें उन्हें कृष्ण को पाने के लिए उन्हें देवऋषि नारद को भगवान कृष्ण के वजन के जितना दान देना था। अपनी संपत्ति के अभिमान में सत्यभामा ने कृष्ण को तोलना शुरू किया। पर क्या सत्यभामा का धन कृष्ण का मोल चुका पाया? जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। वासुदेव श्री कृष्ण की लीलाएं प्रत्येक व्यक्ति के मन को मोह लेती है। उन लीलाओं में से कई बहुत जटिल होती हैं, जो आसानी से समझ नहीं आ पाती। पर वही कई लीलाएं एक कोई
नया आदर्श स्थापित करने के लिए होती हैं। वासुदेव श्री कृष्ण ने स्यामंतक रत्न के स्वामी सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा से विवाह किया। सत्यभामा को कृष्ण से प्रेम तो था, पर ये प्रेम थोड़े ही समय में घमंड में बदल गया। सत्यभामा को अपने शाही वंश और अच्छे दिखने पर बहुत गर्व था और वे मानती थी कि कृष्ण उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। वो कृष्ण पर अपना पूरा हक चाहती थी। उसे कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम पर इतना गर्व था कि वो कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी से ईर्ष्या करती थी। दूसरी ओर द्वारका की पहली रानी होने के बावजूद भी रुक्मणी एक बहुत ही विनम्र महिला और एक धर्मपरायण पत्नी थी। उन्होंने कृष्ण की भक्ति के रास्ते में कुछ भी नहीं आने दिया और पूरे दिल से प्यार और भक्ति के साथ कृष्ण की सेवा की। वो कृष्ण को प्रेम करती थी पर अपना स्वामित्व नहीं जताती थी। कृष्ण सभी मनोभावों को जानने की कला में निपुण है। कृष्ण वो है जो अपने भक्तों के मन में पैदा होने वाले अभिमान को नष्ट करते हैं। सत्यभामा के अहंकार को भी समाप्त करने के लिए वासुदेव श्री कृष्ण ने एक माया रची और उस माया को रचने के लिए सहायता ली देवऋषि नारद की। लीला के अनुरूप एक दिन जब देवश्री नारद, जो अपनी बात करने की कला के कारण पूरे ब्रह्मांड में जाने जाते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका आए। द्वारकाधीश के महल के आंगन में वो रानी सत्यभामा से मिले। कृष्ण को प्रसन्न रखने के लिए सत्यभामा आजकल अपने आप को बहुत सजा धजा कर रखती थी। इसी कारण आज सत्यभामा ने अपने आप को कुछ फूलों से खुद को सुशोभित किया। सत्यभामा ने गले में सुंदर कमल पुष्पों की माला पहन रखी थी और बालों में भी सुंदर खुशबूदार फूल लगाए हुए थे। देवऋषि नारद को अपनी कला दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। वो पूरी मासूमियत के साथ सत्यभामा के पास गए और उनसे पूछा, महारानी सत्यभामा, आप मेरे इरादों पर संदेह मत करना, लेकिन क्या ये मेरा बुढ़ापा है या क्या ये सच है कि कृष्ण रुक्मणी को तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं? जब कोई दूसरा व्यक्ति उस बात को जो आपके
मन के अंदर चल रही है आपके सामने ले आता है तो आप सन्न हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ देवी सत्यभामा के साथ हुआ। वे भी पूरी तरह से हिल गई और नारद की ओर देखते हुए स्थिर खड़ी हो गई। देव ऋषि नारद भूमिका बना चुके थे, अब बारी थी इस अग्नि में घी डालने की। देव ऋषि नारद ने सत्यभामा को अपने सम्मोहन में लेते हुए कहा कि आप रुक्मणी से कई अधिक सुंदर और आकर्षक है। आप छोटी रानी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप अधिक ध्यान देने योग्य हैं? सत्यभामा को अब देव ऋषि नारद में उनके मन में दबी हुई इच्छा को पूरी करने की आशा दिखाई दी। वे नारद को एक जिज्ञासु रूप से देखने लगी और बड़ी आशा के साथ कहा कि हे देव ऋषि, मुझे बताइए, उनका अविभाजित ध्यान पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताइए कि कैसे मैं उनकी सबसे प्रिय बन सकती हूं? अब आप ही मेरी एकमात्र आशा हो। हमेशा ब्रह्म पैदा करने के लिए उत्सुक नारद ने कहा, यही मेरी द्वारका की यात्रा का मुख्य कारण है देवी। कृष्ण को आपके पास वापस लाने के लिए मेरे पास एक बहुत उत्तम योजना है। ये सुनते ही सत्यभामा की आंखें चमक गई। उन्हें अब लग रहा था कि उन्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी वो आशा करती है, और इस कारण से वो नारद की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। देव ऋषि नारद कहते हैं कि देवी सत्यभामा, मेरी योजना सुनिए। आप एक प्रतिज्ञा करोगी जिसके फल स्वरूप आपको भगवान कृष्ण को मेरा दास बनाकर मुझे सौंपना होगा। फिर आप जब कृष्ण को अपने पास रखने की जिद करोगी तो मैं आपको अपने धन के बराबर वजन के लिए कृष्ण का व्यापार करने की अनुमति दूंगा। फिर आप जब कृष्ण को अपने पास रखने की जिद करोगी तो मैं आपको अपने वजन के बराबर धन के लिए कृष्ण का व्यापार करने की अनुमति दूंगा। ये देखकर कि आप उनके लिए अपने धन का व्यापार करने को तैयार हैं, कृष्ण आपके बलिदान के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको अपने करीब ही रखेंगे। वो कहा जाता है ना कि जब मोह के पर्दे मन पर छाते हैं तो सही गलत का भेद समाप्त हो जाता है। सत्यभामा के साथ भी अब यही हो रहा है। उनका मोह उन्हें ये प्रतिज्ञा लेने के लिए सम्मोहित कर रहा है। देव ऋषि
अब आखिरी कील ठोकते हुए कहते हैं कि बस एकमात्र अड़चन ये है कि मैं नहीं जानता कि क्या आपका धन कृष्ण के वजन को संतुलित करने के लिए पर्याप्त होगा। हमेशा की तरह गर्वित होकर सत्यभामा भड़क उठे। मैं सत्राजीत की पुत्री हूं, मेरा धन असीमित है, मुझे यकीन है कि मेरे पास कृष्ण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त धन है। हम आपकी इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये साबित करने के लिए उन्हें सोना, चांदी, बहुमूल्य हीरे, मोतियों से तोलूंगी और ये सब ठीक वही था जो नारद चाहते थे। सत्यभामा दौड़कर कृष्ण के पास पहुंची और झट से उन्हें नारद को दी गई अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। कृष्ण ने धैर्यपूर्वक देवी सत्यभामा की बात सुनी और अपने ही द्वारा रची गई लीला के अनुसार खुद ही देव ऋषि नारद का दास बनने के लिए सहमति दे दी। ये सारी बात जब सबको पता चली तो सभी लोग बहुत हैरान हुए। दरबार में इतना बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण की अन्य रानियां भी अपने अंतापुरम से मुख्य दरबार की ओर दौड़ पड़ी। वहां रुक्मणी भी खड़ी थी, पर जब सभी लोग शोक और हैरानी में थे, वहां रुक्मणी बहुत शांत खड़ी थी। शायद वो वासुदेव कृष्ण की सभी चाल को समझ पा रही थी। सभी दरबारियों के बीच, सभी रानियों के बीच और स्वयं कृष्ण के साक्षी के रूप में सत्यभामा ने कृष्ण को नारद को दान में दे दिया। इस पर कृष्ण की अन्य पत्नियां चौंक गई, लेकिन सदा कर्तव्य परायण होने के कारण कुछ नहीं बोली। कृष्ण पूरे समय चुप रहे। उन्हें इस तरह शांत देखकर हर कोई हैरान था। देव ऋषि नारद ने कहा, चलिए वासुदेव, आज से आप मेरे दास हैं, अपना सामान बांधिए और चलिए मेरे साथ। आप आज से मेरी सेवा करेंगे, मेरे लिए खाना पकाएंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। सत्यभामा अब चौंक गई। उन्हें लगा कि जिन कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने ये सब किया, वो अब उनसे दूर जा रहे हैं। तब सबके सामने सत्यभामा ने देव ऋषि नारद से कृष्ण को वापस पाने का तरीका पूछा। नारद ने तब सत्यभामा को कृष्ण वापस पाने का विकल्प दिया, लेकिन
इसके बजाय कृष्ण को धन के बराबर वजन के साथ पेश किया। बड़ी राहत की सांसों के बीच सत्यभामा ने इसके लिए हामी भर दी। सत्यभामा ने एक नौकर को अनाज और किराने का सामान तोलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े से तराजू को बाहर निकालने का आदेश दिया और खजाने के कार्यवाहक को भी अपने सभी गहने और सोने को बाहर दरबार में लाने के लिए भेजा। सभी मंत्री दरबार के बीच में रखे तराजू को देख रहे थे। सोने की पेटी आते हुए देख रहे थे। जल्द ही तराजू के पास सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों के भंडार लग गए। फिर सत्यभामा ने कृष्ण को तराजू की एक थाली पर बैठने को कहा। चेहरे पर विचित्र मुस्कान लिए और वहां सभी लोगों के आश्चर्य से भरे चेहरों को देखते हुए वासुदेव श्री कृष्ण तराजू पर बैठ गए और सत्यभामा ने बड़ी अभिमान से भरी मुस्कान के साथ दूसरी थाली में सोने, जवाहरात और रत्नों का ढेर लगाना शुरू कर दिया। सत्यभामा दूसरे पलड़े में सोने, चांदी और रत्नों को उड़ेलती रही, लेकिन कृष्ण का पलड़ा हिला भी नहीं। अब नारद बार बार सत्यभामा को चेतावनी देते रहे थे कि देवी, याद करो, यदि आप मुझे पर्याप्त धन की आपूर्ति करने में विफल रहती है तो कृष्ण हमेशा के लिए मेरे दास होंगे। मैं जिसे चाहूं उसे कृष्ण को बेच भी सकता हूं, पर मैं वैसे कृष्ण को बेचूंगा नहीं, क्योंकि ये तो खुद जगत के स्वामी हैं। इनको अपना दास बनाकर मैं भी इस जगत का स्वामी बन जाऊंगा। सत्यभामा ने अपनी सारी संपत्ति कृष्ण के बराबर वाले पलड़े में लगा दी थी, पर कृष्ण का पलड़ा हिला तक नहीं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। और अब सत्यभामा नारद की ये बात सुनकर घबरा गई और इसके अभिमान को निगलते हुए कृष्ण की अन्य पत्नियों से अपने गहने देने की भीख मांगी ताकि वे कृष्ण को अपने पास रख सके। अपने स्वामी की भक्ति में पत्नियों ने अपने शरीर पर सोने के सभी आभूषणों को तब तक हटा दिया जब तक कि उन्होंने केवल मंगलसूत्र नहीं पहना था, लेकिन पलड़ा अब भी हल्का सा भी नहीं हिला। कृष्ण जो वाक कुशल है, कहते हैं, देखो सत्यभामा, तुम्हारी मूर्ख प्रतिज्ञा के कारण मुझे इस ऋषि का दास बनना होगा। उन्होंने ऐसी शिकायत की
सत्यभामा के पास शब्दों की कमी थी। सत्यभामा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब उन्होंने सोचा था कि उनके पास इतना धन वैभव है जिससे वो कृष्ण का मोल चुका सकती है, और अब जब सारी संपत्ति खत्म हो गई है फिर भी कृष्ण का पलड़ा नहीं हिल रहा, उनके अहंकार का नाश हो रहा है। वो नीची गर्दन करके खड़ी थी जब कृष्ण ने आगे कहा, तुम रुक्मणी से क्यों नहीं पूछती हो? वो हमें स्थिति से बाहर निकालने में सक्षम होनी चाहिए। सत्यभामा अब ऐसी स्थिति में थी कि रुक्मणी के प्रति उसकी सारी दुर्भावना खिड़की से बाहर उड़ गई थी। रुक्मणी के पास जाते हुए सत्यभामा ने उन्हें कहा कि दीदी मेरी मदद करें, मैं अभिमान में थी कि कृष्ण को इस तरह से जीता जा सकता है। रुक्मणी हमेशा की तरह शांत रही, घबराई नहीं और सत्यभामा के साथ तराजू के पास आई। रास्ते में उन्होंने पवित्र तुलसी के पौधे से एक पत्ता तोड़ा। वो तराजू की ओर बहुत चुपचाप चली और कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कि मैं अपने आप को कृष्ण के लिए समर्पित करती हूँ, इस तुलसी के पत्ते के माध्यम से मैं अपनी आत्मा कृष्ण को समर्पित करती हूँ। इतना कहते हुए रुक्मणी ने उस तुलसी के पत्ते को उस धन के ढेर पर रख दिया। भौचक्का होना, सभी को हैरान करते हुए कृष्ण का पलड़ा उठ गया। इस पर सभी लोग चौंक उठे। सत्यभामा ने स्पष्टीकरण के लिए कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने कहा कि अपने धन को हटाने की कोशिश करो सत्यभामा। सत्यभामा ने चेहरे पर एक बहुत ही संदेहपूर्वक अभिव्यक्ति के साथ उसने अपना सारा धन तब तक हटा दिया जब तक कि केवल एक तुलसी का पत्ता ही नहीं बच गया था। और फिर भी इस तुलसी के पत्ते का वजन कृष्ण से भी अधिक था। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध और हतप्रभ थे। कृष्ण अपने ऊंचे लटके हुए बर्तन से नीचे कूदे और उनके पास आए। सत्यभामा, तुमने अपना सारा धन मुझे दे दिया, लेकिन उस भेंट में कोई भक्ति नहीं थी। थी तो बस केवल स्वामित्व की भावना। दूसरी ओर रुक्मणी ने सिर्फ एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया, लेकिन उनके इरादे नेक थे। उसने मेरे प्रति अत्यंत प्रेम और भक्ति के साथ भेंट की और वो एक पत्ता
मुझे उम्मीदों से परे खुश करने के लिए काफी था। याद रखें कि क्या भेंट किया जा रहा है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि जिस प्रेम और भक्ति के साथ आप इसे भेंट करते हैं वो मायने रखता है। सत्यभामा को दरबार में स्तब्ध खड़ा छोड़कर कृष्ण अन्य पत्नियों के साथ अपने कक्षों में लौट आए। नारद की ओर मुड़ते हुए उनकी आंखें अब आंसुओं से चमक उठी। सत्यभामा ने कहा, देव ऋषि, आज मुझे ये कठिन पाठ सिखाने के लिए धन्यवाद। मैं प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम की शक्ति को कभी कम नहीं समझूंगी। नारद ने सिर हिलाया और अपने विशिष्ट गायन नारायण नारायण के साथ चले गए स्वर्ग की ओर। और इस प्रकार सत्यभामा के पाठ की कहानी समाप्त हो जाती है। आज भी मंदिरों में भगवान को तुला भरम चढ़ाने की नई प्रथा होती है, लेकिन हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रसाद के मूल्य रूप में जिस प्रेम के साथ आप इसे सर्वशक्तिमान भगवान को अर्पित करते हैं। आखिर प्रेम ईश्वर है और ईश्वर को अहंकार से नहीं, मोह से नहीं, पर प्रेम से जीता जा सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उस पर स्वामित्व न जताएं, उसे प्रेम करें, सम्मान दें, जैसे रुक्मणी ने दिया। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।